नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ एंसिलरी कांस्टेबल ट्रेड टेस्ट का, जैसा कि यहाँ पर दिल्ली का दया बस्ती का एक और वीडियो मैं आप लोगों के यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। और ये एक्सपीरियंस वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि दिल्ली में जो ट्रेड टेस्ट कराया जा रहा है वो नासिक के ट्रेड टेस्ट से एकदम अलग हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जैसा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में वाटर कैरियर के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे थे, उससे एकदम अलग यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एकदम कराया जा रहा है दिल्ली के दया बस्ती का जो भी ट्रेड टेस्ट है। आप लोगों के यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वीडियो मैं आप लोगों के यहाँ पर सुनाने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप लोगों को ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है यहाँ पर इस वीडियो को, और पूरी तरह से आप लोगों को इसको ध्यान पूर्वक एकदम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के शुरू करने से पहले यहाँ पर पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर आप लोगों के चार ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है, और जो भी राइट आंसर होता है मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में यहाँ पर देने वाला हूँ। सो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका ट्रेड टेस्ट दिल्ली में कंप्लीट हो चुका है। जी सर। सर ओके सर, कौन सी डेट को सर था? 19 तारीख को हुआ है। 19 को हुआ है सर। आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर हम? सुनील कुमार, राजस्थान सुनील कुमार। और कहाँ से हैं सर आप? से, श्री गंगानगर। अच्छा, राजस्थान, श्रीगंगानगर। आपका दिल्ली में दया बस्ती में था सर? दिल्ली के दया बस्ती में था सर आपका ट्रेड टेस्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही। ठीक है सर। तो आप अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें स्टूडेंट के साथ में जिनका होने वाला है आगे वाले डेट्स में, तो आप जी तो आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं जो भी वहाँ पर पूछा गया है। सर जी बताइए क्या बताना है सर। मेरे से जैसे जी एंट्री हुई थी, मतलब 4:30 में, तो 5 बजे एंट्री स्टार्ट हुई थी उसके अंदर, गया अच्छा था। अच्छा सुबह 5 बजे से स्टार्ट हुई थी। हाँ जी सर, जैसे पहले फिजिकल के लिए बुलाए थे, उसी तरह से वो ग्रुप बना बना के आगे ले जा रहे थे सर। तो ओके सर, फिर सर उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट तो बाद में, मतलब चेक और ट्रेक ले जा रहे थे सभी को। सर समझ में नहीं आया सर, फिर से बोल दीजिए जरा। तो जैसे ये मतलब 18 बंदे लिए, उसके बाद जो उनका बना हुआ था और क्या उसके अंदर ले थे, वहां पे बिठा के इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ये करना उनका वेब कमांड था जी हमारे साथ में। अरे अच्छा 1:50 एक कार के कांस्टेबल था हमारे साथ। अच्छा सर, आप सभी लोगों के साथ में, हर एक कैंडिडेट के साथ में कांस्टेबल था जी। और आगे सर? सर उसके बाद वहां पे अंदर जैसे हॉल के अंदर के वो मैच मिला हुआ, तो उनके अंदर मेरे से सर सिर्फ रोटी बनवाई थी, सिर्फ मेरे को 2 मिनट का टाइम ही मिला। अच्छा सर, 2 मिनट का केवल टाइम दिया। हाँ जी, आज तो वहां पे पहले से तैयार था। अच्छा, और सर अभी जैसा कि सुनने में आ रहा था, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, नासिक हाँ जी, नासिक का जो हो रहा था वहाँ पर हर कैंडिडेट को 4 से 5 मिनट दिया जा रहा था रोटी बनाने के लिए। नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट मिले थे, वो भी आटा गूंदा हुआ होता था, मैं बस उसका जो मोई बना के उसको पका के दिखाई थी बस। अच्छा सर, सर आप जरा खुले में आ जाइए, आपकी जो आवाज़ है कट रही है, आवाज़ सही से नहीं आ रही है। भैया बाहर ही आया, खुले में नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा सर, आपकी आवाज़ ज़रा फंस रही है ना, इसीलिए। अच्छा सर ठीक है, आपको 2 मिनट दिए गए, वैसे तो ये काफ़ी कम है वैसे बनाने के लिए। नहीं भाई साहब, वैसे तो 2 मिनट बहुत है, जैसे आटा गूंदा हुआ था उसको बना के छोटी सी रोटी, जैसे अपनी साइज की जैसे भी होती है घर पे, मम्मी वगैरह बनाती है छोटी रोटी, वो साइज सेम दिखानी थी एक। अच्छा, आप उसको फुलाना नहीं था आपके अकॉर्डिंग? बना था उसके तवे पे, तो हाँ वहां से 2 मिनट भूल गई थी भाई साहब, वो तो 2 मिनट तो लगे ही थे। ठीक है सर। आप उसके बाद में आपकी जब रोटी बन गई, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मेरे को तो पीछे हटा के खड़ा गया। उसके बाद किसी से, मतलब जैसे किसी से चावल बनवा रहे थे, चावल मिले किसी को। हाँ किसी से चावल बनवा रहे थे? अच्छा सर, तो चावल यहाँ पर बनाया जा रहा था, ठीक है। और सर क्या, और क्या बनाया जा रहा था? वो तो कुछ नहीं, यही देखा था हमारे वाले बेच के अंदर, तो किसी से चावल किसी से रोटी बस, किसी से आटा उटा। तो ये तो जैसे वीडियो चढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, मैंने तो देखा नहीं बात। अच्छा सर अब वैसे अलग अलग सेंटर का अलग अलग रूल हो सकता है। जी, और सर उसके बाद हमें तो जैसे बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमारा 3-4 घंटे के बाद रिजल्ट आया, उसमें से 5-6 बंदे ही बस पास किए थे उन्होंने, 50 में से। 85 में से 5 से 6 बंदे पास किए?
हाँ जी ओके सर। और सर आपके साथ में जो बैच हुआ था, आपके पहले जो बैच हुआ था, उसमें सर कितने पास हुए? बताया मैं तो फिर हमने तो मैंने तो मेरे वाले जिस खुद का 50 बंदे थे हमारे से 5 बंदे निकले थे। हाँ आपके बैच से केवल 5 बंदे निकले? जी सर अच्छा सर। और सर आपके पूरे बैच में केवल रोटी ही बनवाई थी है ना? नहीं सर मेरे साथ वाले से जैसे राइस भी बनवाए थे, ये नहीं था कि मेरे से रोटी बनाई है उससे राइस बनवा लिए फिर उससे रोटी बनवा लिए, ऐसे चल रहा था सर। अच्छा, ठीक है सर। और सर आपके केवल मतलब दो ही चीजें आपको दिया गया था, रोटी और चावल है ना? हाँ जी ओके मतलब ओके जैसे 4 लड़कों को आगे भेज दिया उनसे, वो मतलब जो बनवाना था उन्होंने बनवा लिया फिर हमने पीछे दिया, उसके बाद चार गए। अच्छा सर। और सर चावल बनाने में आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखा और क्या क्या कितना कितना टाइम दिया गया, इसके बारे में आप जरा बताएं। ये चावल वाले तो मेरे को पता नहीं, ऐसे पता है मैंने देखा जुलता वहाँ चावल बिखरे हुए थे उनके, फिर अच्छा उनको वो जैसे लगाते हैं चमका वगैरह वो हाँ करना था सिर्फ हाँ अच्छा सर। कि आता है कि नहीं उसमें क्या डाल के उसको मतलब बनाना है। अच्छा सर आपके जो नॉर्मली घर पे जो चावल बनते हैं उस तरह के चावल बनवा रहे हैं या फिर कोई डिफरेंट टाइप के बनवा रहे हैं? नहीं नहीं सर वैसे तो क्या उसमें कोई डिफरेंट नहीं था सर। अच्छा सर ठीक है सर, ये सही है आपका। नहीं वो होता है क्या ना कि जो आपको देखा होगा आपने शादी बारातों में जो बनते चावल है ना, जी जी, तो उस तरह नहीं के सर उसमें तो कोई वैसे था नहीं, तो कोई पत्ता तेज पत्ता डालना है वो डालना है कुछ नहीं था सर, ये अच्छा सर ठीक जरूर थे वहीं पे सब कुछ था, वो जिसको आता है वैसा कर रहे थे लड़के अपने अपने। ठीक है सर। क्योंकि सर यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट का भी मैसेज आ रहा था कि चावल किस प्रकार से बनवा रहे हैं, क्या दो टाइप के चावल बनवा रहे हैं क्या, तो इसलिए आप ले से नहीं आपको सर ना तो उसमें क्लीन नीट वगैरह भी क्लीन से हो रहे हैं, नीट बनवा रहे हैं कुछ बनवा रहे सर, अच्छा सर। और कि क्या आता है कि नहीं आता। अच्छा सर आपकी सर आवाज़ जरा ज़्यादा फंस रही है सर, आप नेटवर्क के क्षेत्र में नहीं है क्या? वैसा नेटवर्क के क्षेत्र में ही है, बट सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। नेटवर्क की प्रॉब्लम है भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा। ओके चलिए ठीक है सर। और सर ये बताइए जैसे कि आपको वहाँ पर रोटी बनाने के लिए भट्टी दी गई थी या फिर नहीं जो सर हमें तो चूल्हा था, चूल्हा चूल्हा जी चूल्हा जो होता है ना गैस घर पे होता है। अच्छा घर वाला चूल्हा था। हाँ जी भैया अच्छा भैया, तो ये भी आपने काफ़ी अच्छी बात बताई सर आपने। घर वाला चूल्हा था उस पे तोवा था और कुछ नहीं था, मैंने तभी तो भैया आप जैसे यूट्यूब पे आपने वीडियो दिखाई उसका मैंने तुरंत आपको कमेंट किया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो चल रही है वही है ही नहीं ऐसी, रियल में बातें भी नहीं है ऐसी चल रही है। आपको सर काफी हेल्प मिली इस वीडियो से जो मैंने एग्जाम प्री पे अपलोड करके रखी है, जी मिली है सर हेल्प क्या सर। आपको? सर सहायता मिली है इस वीडियो से जो आपने देखी है मेरे चैनल पे? हाँ जी हाँ जी अच्छा सर आप मेरे को ये थोड़ा सा अजीब लगा कि अभी 15 अगस्त के बाद, क्योंकि कोलेटर मेरा भैया 1 तारीख को 1 अगस्त के पास मेरे पास आ गया था, मैंने अच्छा सर डाउनलोड कर लिया था अच्छा सर तो आपका आ गया था ओके। हैदराबाद, मेरा फिजिकल हुआ था उस 15 पास पास है 7वीं बटालियन उसके अंदर हुआ था। अच्छा सर 7th बटालियन दया बस्ती है ना? हाँ नहीं ये नहीं फिजिकल तो वहाँ हुआ, ये ट्रेटल है। ओके ठीक है सर। और सर ये जरा बताएंगे आप कि वहाँ पर आपका जो घर वाला चूल्हा है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है और जो तवा है सर वो कैसा दिया जा रहा है, तो जैसे घर पे यूज करते हैं वैसे ही तो है भैया। नॉर्मल सा या नहीं हाँ जी वैसे ही है सर। सर? एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि अभी जो महाराष्ट्र के नासिक में जितने भी ट्रेड टेस्ट हो रहे थे वहाँ पर काफ़ी अजीब सा हो जा रहा था, काफ़ी बड़े तवा दे रहे थे है ना? नहीं यहाँ पे तो भैया जैसा घर वैसे ही था। चलिए सर आपका काफ़ी ज़्यादा ये यूनिक एक तरह से वीडियो होने वाला है क्योंकि अब एकदम डिफरेंट आपने एक्सपीरियंस अपना दिया है, जो भी महाराष्ट्र में हो रहा था उसका एकदम जस्ट अपोजिट है ना? देखो भाई साहब ये तो दक्षिण का अलग हो सकता है, ये इधर उत्तर का है, पता नहीं कहाँ कैसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर आप अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करें अच्छे से, काफ़ी डिस्क्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपका ये वीडियो जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है। तो जब आप पूछो मैं बता सकता हूँ, जितना मैंने देखा है जितना मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर। और ये जरा जैसा कि रोटी फुलाने के लिए कैसा आप कर रहे थे, कैसा आपने रोटी फुलाई थी ये जरा आप बच्चों को बताएं।
रोटी तो यही है, उसको मैंने बेली, उसके बाद उसको तोए पे डाल दी, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता हूँ स्टडी के लिए, अच्छा। मेरे को तो पहले से एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने डाल दी, उसके बाद उसको सेक के फुला दी। ओके सर, फुला दिया, काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से फूल गई थी। और जैसा कि वहाँ पर जो ऑफिसर होते थे, पदाधिकारी जो थे, उन्होंने आपके तरफ से ध्यान दिया होगा जब। हाँ जी भाई साहब, उसमें मतलब मेरे को इतना पता है, कमांडेड था हमारे ऊपर, अच्छा एक कमांडेड था, वो लिख रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था क्या नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। उसके बाद रिजल्ट में मैं क्वालिफाई हो गया उसमें। तो अच्छा सर, और यहाँ पर नंबर क्या बताए जा रहे हैं सर? नंबर नहीं बताया भैया, हमें तो कुछ नहीं बताया, हमें तो यही बताए थे कि आप पास हो गए। अच्छा सर, ओके। और इसके बाद में सर आपसे क्या करवाया गया, आपका रोटी बन गई, चावल और? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसकी, अच्छा सर। और सर आपका ये ट्रेड टेस्ट उसमें जी? उसके अंदर भाई साहब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एक तो जो सेंटर का मूल में वो जाति प्रमाण पत्र रहता है वो हाँ लिया था हमसे, ठीक है सर, दो फोटो ली थी हमसे, ठीक है, और मूल निवास पता, मूल निवास की फोटो थी, मूल निवास प्रमाण पत्र, और एक वो जो टेंथ की शीट होती है वो ली थी। अच्छा सर। तो ओवरऑल चार चीज़ें ली थी है ना सर? हाँ जी, अच्छा सर। और सर और ये गेट जी, गेट की एंट्री में जैसे भी प्रवेश किया, आधार कार्ड दिखाना जरूरी था और कॉल लेटर दिखाना जरूरी था। अच्छा सर, सुबह मॉर्निंग में एंट्री के टाइम पे आधार कार्ड और कॉल लेटर है ना? हाँ जी, अच्छा सर। और सर ये जरा आप बताएं, आपका ट्रेड टेस्ट कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ था? ये मैं सुबह 5 बजे एंट्री कितने बाहर आया, कम से कम 2 बजे। 2 बजे आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, वहाँ अच्छा पे बाद आधा घंटा को हमें बिठाया बाहर, उसके बाद अंदर ले गए ट्रेन के लिए, वहां पे कंप्लीट होने के बाद हमें रिजल्ट का वेट करने के लिए बिठाया था उन्होंने। अच्छा सर, तो यानी कि आपका 2 बजे तक कंप्लीट हो चुका था ट्रेड टेस्ट, उसके लिए हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके हुआ। बाद करिए। अच्छा सर, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कंप्लीट होने के बाद में पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा था लगभग ये 5 घंटे, शाम के 5 बज गए थे? नहीं नहीं 5-6, मतलब फ्री हो गए थे बिल्कुल। अच्छा ट्रेड टेस्ट के बाद जो जिन्होंने ट्रेड टेस्ट दिया है हाँ, उनको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुला रहे थे। भाई अच्छा सर। और सर आप अपने भाइयों को अगर कुछ बोलना चाहें, जो भी आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं आरपीएफ एंसिलरी के, जिनका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उनके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यही है भाई साहब, घर से तैयारी करके जानी चाहिए उनको, ऐसे नहीं है भाई, नॉर्मल नहीं हो रहा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा क्वालिफाई किए हुए हैं हाँ सर, फिजिकल टेस्ट के अंदर, तो बहुत ज्यादा जाने वाली है इसमें, ट्रेड टेस्ट में बहुत निकाल रहे हैं भैया। अच्छा सर, ये तो आप बिल्कुल सही बताइए सर आपने। हाँ जी, क्योंकि और सर वहीं पे देखो जैसे हम 50 बंदे गए थे, जी वहां पे पांच पांच बंदों को रखा है उन्होंने, अब पता नहीं वो उसके बाद मेरिट बनाएंगे उसके अंदर, हमें रखे या नया रखे वो पता नहीं अभी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल और नंबर शो नहीं करते भैया, हाँ सर पता ये। नहीं है कितने दिए कितने नहीं दिए उन्होंने। ओके सर, और सर आप इसके बाद में और क्या आप बोलना चाहेंगे? और तो ये क्या, मेरा तो इतना ही एक्सपीरियंस है, इतना तो मैंने तो कभी देखा नहीं, ना मैंने जैसे किया वो मैंने आपको शेयर कर दिया सब कुछ। ठीक है सर। और सर अच्छा, केवल 2 चीज़ें ही, रोटी और चावल ही बनवाया गया है ना सर? हाँ जी, हमारे बेस से ये बनवाया था, अब पीछे से क्या बनवा रहे हैं क्या नहीं बनवा रहे हैं ये पता नहीं है, ओके सर। और पता नहीं कि हमारे पिल्ले वाले बेस से अगर जो आटा हमने जो रोटी बोई है वो उनसे गुंदवा के रखा है ये पता नहीं है, अच्छा सर, मतलब एक एक से सभी काम नहीं करवा रहे, मतलब जो जा रहे हैं उनसे पहले कुछ और करवा रहे हैं, हमसे कुछ और करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं। ओके सर। और सर जी जी बोलिए। और इतना सर उसके अंदर कोई वेस्ट वाला काम तो है नहीं, जैसे वेस्ट कर देंगे वो नहीं, वो थोड़ा सा ही काम करवा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल। मैंने तो भाई साहब यूट्यूब पे देखा था, मैं भी घबरा गया था कि ऐसे पूछ रहे हैं, कोई तो बोरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं हो। अच्छा सर, यानी कि वहां पर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए? नहीं, हम ऐसे तो कुछ नहीं पूछा गया, जैसे यूट्यूब पर मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, पूछ रहे हैं कितना नमक डालना है, कितनी डाइट होता है, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं पूछा हमसे तो। अच्छा सर, आप ये भी ओनली जो मिट्टी के अंदर था ना उसी से रिलेटिव उन्होंने कुछ करवाया हमसे।
अच्छा सर, यानी कि आपका प्रैक्टिकली वहाँ पर करवा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जा रहा है ना सर? नहीं, हाँ जी, हाँ जी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं क्या हूँ, हमसे तो कुछ पूछा नहीं, अब आगे वाले या पीछे वाले बेंच से जो उन्होंने कोई क्वेश्चन किया है वो पता नहीं दूंगा ऐसे किसी को मैं। अब आप क्योंकि वीडियो बनाओगे चढ़ाओगे किसी का विषय बर्बाद हो, बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चा जा रहा है कोई भी है, मेरा भाई जाएगा, वो मेरी जैसे एक्सपीरियंस से आप शेयर करोगे, वो जैसे जाएगा उसको पता चलेगा तो वो थोड़ा सा एक महसूस करेगा कि कुछ ना कुछ करके आएंगे वहाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता है भैया। बिल्कुल सर, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो आप यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर किस तरह से कराया जा रहा है दिल्ली का ट्रेड टेस्ट, है ना सर? तो आप लोगों की हेल्प के लिए ही मैं यहाँ पर ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, है ना सर? ठीक है भैया, जी सर। और सर, आपका कोई साथी हो ऐसा जिसका कंप्लीट हो चुका हो ट्रेड टेस्ट? 21 तारीख को है उसका, उसका इक्कीस, एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूंगा, उससे नंबर आप, मैं उसको बोल दूंगा, ये नंबर आपको शेयर कर देगा। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके सर, सर आप शुभ, आपका शुभ नाम? मेरा सर शुभ नाम शिवम है। अच्छा, कहाँ से सर आप? लखनऊ, लखनऊ। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस सर। ओके सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ जो कि मैंने आपको शुरुआत में इस वीडियो के इस क्वेश्चन का आंसर पूछा था, ठीक है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा सदस्यों द्वारा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।